खरगोन के स्थानीय गुरुद्वारा साहिब में सिख पंथ के छठे गुरु अकाल तख्त साहिब के सिरजनहार श्री गुरु हरगोविंद सिंह साहिब जी का प्रकाश पूर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री गुरु सिंह सभा खरगोन के प्रधान सरदार हरचरण सिंह भाटिया ने बताया कि प्रकाश पूर्व के निमित्त आज गुरुद्वारा साहिब में स्त्री सत्संग जत्थे द्वारा सहज पाठ साहिब की समाप्ति हुई। पश्चात कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें खंडवा से आए ज्ञानी ईश्वर सिंह जी, खरगोन के ज्ञानी समर्थ सिंह परदेशी एवं ज्ञानी अशोक सिंह के द्वारा गायन किए गए, जिससे संगत भाव विभोर हो उठी। कीर्तन के पश्चात खंडवा से आए निमाड़ झोन के प्रसिद्ध गुरमत प्रचारक ज्ञानी जसवीर सिंह जी राणा द्वारा गुरमत विचार संगत से साझा किए तथा गुरु साहेब के इतिहास पर प्रकाश डाला गया। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। गुरु अर्जन साहब जी महाराज शहीद हो पहला अपने पुत्र हरगोबिंद साहब जी महाराज जी को गुरुवा गद्दी ते विराजमान करके गए, जो कोई है गुरु नानक पातशाह सात संगत की समय की हुकूमत को गुरु अर्जन साहब ने आख्या सी, मेरी सभा को गवाना तो मुमकिन है, तुसी मेरी आवाज तो बंद कर दोगे, क्योंकि गुरु ने दस दिता भी भाणा कहना मानना मेरी सदा को गवाना तो मुमकिन है, पर बदल के बदल की ललकार को कौन रोकेगा, मेरे ख्यालों की परवाह रोकने वालों हर गोबिंद की तलवार को कौन रोकेगा, करके दिखाया ना गुरु साहब खड़ा प्यार करता है। उस समय अकाल पुरखे का नाम चौकाई मिलन जो आप देखते हैं श्री अकाल तख्त साहब जी श्री गुरु हरगोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा में किस तरह कार्यक्रम आयोजित किए गए? आज संपूर्ण सिख जगत गुरु हरगोविंद साहिब जी का प्रकाश पर्व मना रहा है। गुरु हरगोविंद जी सिख समाज के छठे गुरु हैं, उन्होंने अकाल तख्त साहिब की सर्जना की, उन्होंने मीरी की पीरी मीरी और पीरी की दो कृपाण ट्रेन कर सिख समाज को आध्यात्मिक और राजनीतिक रास्ते पर चलने की शिक्षा दी। आज संपूर्ण सिख समाज मिलकर उन्हें याद करते हुए उनका प्रकाश पर्व मना रहा है। उनके प्रकाश पर्व के निमित्त गुरुद्वारा साहब में कीर्तन दरबार सजा है। स्त्री सत्संग जत्थे के द्वारा सहज पाठ साहब की समाप्ति हुई है। समाप्ति उपरांत गुरु के अटूट लंगर की सेवा जारी है। क्या नाम लिखते हैं? कमलजीत सिंह गांधी, सेक्रेटरी से भूषण सभा का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।